पहले कि हम अब्दुल रऊफ साहब की तरफ चलें और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, लेकिन उससे पहले हम आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बैट्समैनों की कारकर्दगी दिखा देते हैं। जो इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस है वो क्या है, बड़ी सेंचुरियाँ बन रही हैं, चौथे राउंड के पहले दिन भी सेंचुरियाँ बनी हैं और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इस वक्त अशफाक अहमद टॉप कर रहे हैं 4 मैचों में 378 रन के साथ 2 सेंचुरियाँ और 2 सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। फिर समी असलम है 4 मैचों में 371 रन बना चुके हैं, 123 उनके रन बनाने की औसत है। टेस्ट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने 4 मैचों में 351 रन स्कोर किए हैं। टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 2 मैचों में 287 रन बनाए हैं। फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भट्ट के 3 मैचों में 259 रन हैं। ये तो बल्लेबाजों की कारकर्दगी है, लेकिन उसके अलावा अगर बॉलर्स की हम कारकर्दगी देखें तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस एतबार से कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स की जगह हमें स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलाल आसिफ ने 4 मैचों में 13, जफर गौहर ने 4 मैचों में 13, यासिर शाह ने 3 मैचों में 13, काशिफ भट्टी ने 3 मैचों में 10 और सिर्फ ताबिश खान एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 4 मैचों में 9 विकेटें हासिल कर रखी हैं।